क्या बात है, टी सीरीज दिखा रहा है। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। तो वही हमारा पुराना हाय हेलो का सिलसिला। हाय मोहम्मद तारिक, सौरभ कुमार, संध्या मिश्रा और बाकी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा चैट इधर उधर कर दिए। सोनाली हाय, संध्या कितनी बार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करोगे, हो गया। डॉक्टर जय हाय, बीरू कुमार हाय। तो देखो, साहिल गर्ग, सिद्धार्थ, मरियम, कैसे हो? अच्छा मरियम भाई, बीरू कुमार, दीक्षा त्रिवेदी, डॉक्टर जय। अब एक दो बातें, एक दो बातें। क्या बात है सौरभ कुमार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुचिता हाय, हेलो, कैसी हो, कैसी हो। प्राची, ए आर रहमान, क्या बात है। मोहम्मद मलिक, या 31 ही आए अभी, और लोग कहाँ गए। कौनिका पारिक हाय हेलो, मोहम्मद हेलो। चलो एक कहानी से स्टार्ट करूँ आज की। किसी बच्चे ने कुछ पूछा था मुझसे, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर ये किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, फिजिक्स को या केमिस्ट्री को। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर रिवीजन कैसे करना है। शायद सौरभ कुमार ही था वो। सौरभ तुम ही देना रिवीजन। तो एक इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। शैल वी स्टार्ट, स्टार्ट करेंगे स्टोरी। तो भाई ये स्टोरी शुरू होती है, एक खुश मिजाज आदमी थे, एक बहुत बहुत खुश मिजाज आदमी था। और उस आदमी ने क्या किया, वो एक राजा के दरबार के अंदर क्या करता था, वो सफाई करता था। अब जब सफाई करता था, आई एम ऑल रेडी टू एक्सप्लेन, साहिल गर्ग क्या हो गया मेरे शेर, अनुराग पंडित, अरे स्टोरी सुनो यार तुम। तो एक आदमी था, बहुत खुश मिजाज था, वो राजा के यहाँ सफाई का काम करता था। और जब भी वो सफाई करता था, बड़े दिल से करता था। और जब सफाई करता था तो एक गाना भी गुनगुनाता था। जब राजा वहां से गया, उधर से गुजरा, अनुराग पंडित क्या बात है, तेजस हाय हाय हाय। तो जब राजा वहां से गुजरा, हाय सोनिया, जब राजा वहां से गुजरा, प्राची यादव, तो फिर क्या हुआ कि राजा ने देखा, यार ये इतना खुश कैसे, वेरी गुड, तो इतना खुश कैसे है। तो राजा ने उसको देखा, बोला यार ये अपना काम इतना बड़ी गजब तरीके से कर रहा है, और गरीब आदमी है, ज्यादा अमीर आदमी भी नहीं है। वो अपनी रानी के पास गया और रानी से बोला कि ये इतना खुश कैसे। तो रानी ने कहा कि आप भी इसको एक काम करो, आप इसको 99 लोगों की जमात में यदि डालना चाहते हो तो 99 लोगों की जमात में डाल दो। अब राजा बोले 99 लोगों की जमात मतलब ग्रुप क्या होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने बोला तुम बताओ करना क्या है। तो बोले एक काम करो, 99 सोने की अशर्फियां, सोने के सिक्के इसके घर के बाहर रखवा दो आप रात को। तो राजा ने वैसे ही किया, 99 सोने के सिक्के जब उसके घर के बाहर रख दिए। लास्ट में मैं बताऊंगा ये आपके लिए क्यों है स्टोरी। हाय कैरियर पॉइंट कमांडो, बहुत दिनों के बाद दिखे, मृत्युंजय कुमार हाय। ठीक है, तो 99 सोने के सिक्के जब वहां रखे गए, वो सुबह उठा, उसकी वाइफ ने उसको देखा, और जब वाइफ ने देखा तो फिर क्या किया, ठीक है, उसको गिना एक एक सिक्के को। और जब 99 सिक्के निकले तो अपने हस्बैंड को बताया, अरे यार ये तो 99 सिक्के हैं। वो बहुत परेशान रहने लग गया। एक सिक्का उसने सोचा राजा के यहां से आया होगा, और राजा के यहां भी गया, राजा के यहां भी गया और पूरे रास्ते चेक करता हुआ गया कि कहीं एक सिक्का तो नहीं गिर गया। 99 सिक्के क्यों रखे हैं। वो फिर उस जगह का सबसे बड़ा जो महाजन था उसके पास भी गया, उसके घर तक गया, 99 सिक्के ही, एक सिक्का नहीं मिला। पूरे दिन परेशान होने लग गया। उसने कहा मुझे ये 100 पूरे करने, और उस एक सिक्के के चक्कर में वो परेशान रहने लग गया। और एक दिन राजा ने उसको देखा, और राजा समझ गया कि कहानी क्या है, और उसने उसको एक सिक्का दिया और वो खुश हो गया। नाउ व्हाट इज स्टोरी। स्टोरी मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स से। मुझे पता है आप लोगों ने बायो इसलिए लिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी फिजिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती है ना। अब क्या करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो क्या करें, क्या उसमें पूरा टाइम दे दें, नहीं उसमें पूरा टाइम दे दें नहीं। तो रिवीजन का सबसे पहले क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो आता है उसको अच्छा करो, जो आता है उसको इतना अच्छा करो, जो आता है उसको इतना अच्छा करो कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन उससे आ जाए वो आ जाए आपको। उसके बाद में जो 1% बचा है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो जितना आपने पढ़ा है ना पिछले 1-1.5-2 सालों में, आपके सिलेक्शन के लिए वो चीज बहुत सफिशियंट है। बस फर्क ये है कि आपने किस लेवल का पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा एक बार ध्यान रखिए, रिविजन उस चीज का सबसे पहले कीजिए जो चीज आपको आती है, उसको स्ट्रांग कीजिए, उसको बार बार पढ़ते रहिए ताकि भूले ना। रिविजन नहीं हो पाता, सौरभ कुमार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस दुनिया के अंदर। कल तो मैं बोलूंगा कि मेरे से है ना खाना नहीं खाया जाता है, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अलग चीज है। चलिए अब स्टोरी हो गई है, स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। ये देखिए ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखते रहिए, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है
वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में यदि हम बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन का पहला जो पॉइंट था हमारा वो था एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब क्या एनवायरमेंट भी सेक्स डिटरमाइन करता है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये देखिए ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज नहीं करा रहा क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है, नाउ क्रोमोसोमल मैपिंग भी हमने कर ली थी और इस तरह से क्या हुआ था इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये हमने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन के तीन टाइप के मेथड हैं। सोनिया शर्मा इट्स ओके, देखो देखो इस दुनिया के अंदर क्या है, डॉक्टर की अपनी एक, डॉक्टर को साहब बोला जाता है भाई, कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर ऐसा, ठीक है, कि दुनिया बनना चाहे उसके जैसा। चलो हम स्टार्ट करें। सेक्स डिटर्मिनेशन तीन टाइप से हो सकता है, एनवायरमेंटल बेसिस है, क्रोमोसोमल बेसिस है और जेनेटिक बैलेंस थ्योरी है। एनवायरमेंटल बेसिस सबसे पहले एफ ब्लैटजन ने देखा, और किसके अंदर देखा, किसके अंदर देखा, ये देखा एक बोनिलिया के अंदर। बोनिलिया के अंदर क्या देखा इन्होंने, सबसे पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन, हाय गोला भाई एमबीबीएस, कुछ बच्चे हैं जिनका नाम मुझे याद हो गया, जैसे मोहित का याद हो गया, गोला भाई एमबीबीएस, डॉक्टर जे पायल, सोनिया है ना, संध्या, मोहम्मद मलिक, मोहम्मद तारिक, तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बार बार इंटरेक्शन करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। 53 लोग हैं क्या, एक बार 53 लोग हाय बोल सकते हो? क्रोमोसोम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज होगा सर? नहीं 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 मोहित, यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। सर पीछे की क्लास छूट गई है क्या, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है? सर कोई बात नहीं, बिल्कुल नया टॉपिक है, पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है। हाय 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 50 लोग फटाफट फटाफट फटाफट। सर मेरा आपका लेक्चर दो बार देखता हूं जिससे मेरा डाउट क्लियर हो जाता है। दीक्षा बहुत अच्छे, कोई भी जो भी लेक्चर एक बार पढ़े ना वो दो बार जरूर देखे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है, वॉइस स्लो नहीं आ रही है? हेलो हेलो अब आ रहा है? ओके डन, जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट, मैं माइक और सही कर लेता हूं। मुझे लगता है ऐसे माइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ओके अब सही आ रही है। ठीक है, याद करने का प्रॉब्लम, देखो याद करने का कुछ नहीं हो सकता, याद करने का कुछ नहीं हो सकता, याद रखने के लिए आपको खुद के मैनोमिक्स बनाने पड़ेंगे। लिख लिख के याद करो, आप लिख के याद करोगे सब हो जाएगा। चलो मोहम्मद मलिक समझ गए बेटा हम, कि पेन इज टेम्पररी, मेडिकल डिग्री इज फॉर एवर, वेरी गुड। ठीक है सर मेरा नाम याद नहीं हुआ, प्राची बिल्कुल आपका नाम याद है, बहुत सारे लोगों का है, मैंने एक बार बता दिया आपको बस। ठीक है रमेश चौधरी, आई एम इन क्लास 10 बट योर टीचिंग इज ओके, थैंक्स अ लॉट रमेश चौधरी। चलो आप देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन यदि फर्टिलाइजेशन के बाद होगा तो एपिगैमिक, यदि फर्टिलाइजेशन के टाइम में होगा तो सिनगैमिक, और यदि फर्टिलाइजेशन से पहले होगा तो प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। बोनिलिया के अंदर क्या केस देखा, यदि ये अकेला पड़ा है, यदि ये अकेला है, बिल्कुल मैं बहुत सारे बच्चों का नाम याद रखूंगा जो टॉपर लिस्ट में आएंगे, लेकिन क्या आप पढ़ें? ठीक है अब थोड़ा यहां पे ध्यान देते हैं, हम ये बोल रहे हैं यदि बोनिलिया का जो लार्वा है वो अकेला पड़ा है मड के अंदर तो फीमेल में कन्वर्ट होगा, लेकिन यदि फीमेल प्रोबोप्सिस के ऊपर एज ए पैरासाइट है, यदि फीमेल प्रोबोप्सिस के ऊपर पैरासाइट है तो वो जो लार्वा है वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी से कुछ ऐसे टाइप के हार्मोन इस मेल की बॉडी में जाते हैं कि वो फीमेल वाली हर चीज को खत्म कर देते हैं। वेरी गुड कपिल, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमने देख लिया किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट लिजार्ड के केस के अंदर भी होता है, हाई टेम्परेचर होगा तो फीमेल, लो टेम्परेचर होगा तो मेल। टर्टिल के केस में क्या होता है, हाई टेम्परेचर, किससे ज्यादा, 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। यदि 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, तो जो टर्टिल के एग्स हैं वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यदि लो टेम्परेचर पर रखे जाएंगे तो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट नॉन एलोजोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है बिल्कुल अंकित, कपिल ब्रो को लेट नहीं होता, नहीं समझ आया, मरियम खान दोबारा बोल रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या है, लिजार्ड के और यदि टर्टिल के एग हाई टेम्परेचर पर रखे जाएंगे तो वो कन्वर्ट होंगे फीमेल में, लो टेम्परेचर पर रखे जाएंगे तो वो कन्वर्ट होंगे मेल में। हाय प्रवीण। नेक्स्ट नॉन एलोजोमिक, एलोजोम्स आर द सेक्स क्रोमोजोम, एलोजोम्स आर द सेक्स क्रोमोजोम, बिल्कुल डॉक्टर जय होता है इसमें भी, लेकिन उन एग्स का सेक्स डिटर्मिनेशन भी तो होगा। हाँ नेक्स्ट नॉन एलोजोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, फर्टिलिटी फैक्टर, जिस बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होता है उसको हम एफ पॉजिटिव या मेल कहते हैं, और जिसके अंदर नहीं होता उसको एफ नेगेटिव कहते हैं। हाँ शुभम जोशी, आज केमिस्ट्री का ऑफ था, बिल्कुल सर को कुछ काम अर्जेंट पड़ गया था इसलिए आज ऑफ रखा है।
ठीक है, आगे देखिए। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन क्या कहती है? अब ये क्रोमोसोम जहां पे रेस्पॉन्सिबल हो, क्रोमोसोम जहां पे रेस्पॉन्सिबल हो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, उनके लिए बात करें। तो अब यहां पे बिल्कुल देखेंगे नेक्स्ट, ये हम बिल्कुल यहां पे देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट। चलिए, क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, और क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से है। यार ये क्या कर गए, जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट। चलो, क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर हम क्या देख रहे हैं? सेक्स डिटरमाइन बाय एलोसोम्स। एलोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम से क्या कर रहे हैं, ये सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं। और आपको पता है दो ही तरह के क्रोमोसोम हम लोगों ने अभी तक सुने हैं, पढ़े हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और ये एक्स और वाई के बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये बोल रहे हैं कि ये जो नेम्ड है एक्स एंड वाई, ये दिए गए हैं, और ये जो थ्योरी थी सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू क्रोमोसोम, ये दी थी विल्सन और स्टीवंस ने। अब यहां पे हैंकिंग नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्स में स्टडी किया। हैंकिंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन कहां पे स्टडी किया? इंसेक्स में किया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो 50% स्पर्म होते हैं ना, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। हैंकिंग ने इंसेक्ट्स के एग्स के बारे में स्टडी की, और उनके अंदर ये बोला कि जो स्पर्म थे 50%, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर था जिनको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। बाद में इसको नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम। विल्सन ने क्लैरिफाइड किया और उन्होंने ये बताया कि एक्स बॉडी जो है एक्चुअल में वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, ना विल्सन ने इसका नाम दिया। क्या ये बात समझ में आ गई है? आगे हम बढ़े, आगे बात करें। चलिए आगे हम यदि बात करें तो अब क्या है, तो यहां तक हमारी बात हो गई है। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप थोड़ा सा बिल्कुल जो आपका ध्यान है वो लगाए रखें ताकि किसी भी तरह कोई भी चीज में प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं, देखो बच्चों, दो चित आपको स्लाइड के ऊपर दो तरह की चीजें नजर आ रही है ना। पहली चीज जो है वो है मेल हिट्रोगैमिटी, और दूसरी चीज जो है वो है फीमेल हिट्रोगैमिटी। व्हाट डू मीन बाय हिट्रोगैमेट? मतलब दो डिफरेंट टाइप के हिट्रोगैमेट का बनना। अब आप लोग एक बात बताइए, यदि एक्स एक्स होगा, इससे यदि गैमेट बनेंगे तो दो गैमेट बनते हैं एक्स और एक्स, क्या ये दोनों डिफरेंट है? क्या ये दोनों डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक जैसे गैमेट से है ना, एक्स एक्स। लेकिन यदि एक्स और वाई ऐसे दो डिफरेंट, इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स हो, और इससे जो गैमेट बनेंगे, इससे दो गैमेट बनेंगे, एक तो एक्स होगा और दूसरा दूसरे के पास वाई होगा। तो हिट्रोगैमेटी का मतलब है, यहां पे लिखा है मेल हिट्रोगैमेटी, इसका मतलब यहां पे बच्चों साफ होगा कि जो मेल होगा ना, उस मेल के पास में दोनों गैमेट अलग अलग होंगे। इसका मतलब वहां पे दो क्रोमोसोम्स होंगे, यदि दो क्रोमोसोम होंगे तो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जिन जिन का वीडियो बफर कर रहा हो वो सेटिंग्स पे जाएंगे यूट्यूब के, और अपने जो इसकी क्वालिटी है वो कम कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे पहला जो हमारा टाइप है वो है एक्स ओ टाइप, एक्स ओ मेल। इसका मतलब एक्स ओ यदि मेल है तो एक्स एक्स क्या होगा बच्चों? फीमेल होगा। ये क्या होगा? ये होगा फीमेल, और एक्सो क्या होगा? मेल होगा। फीमेल के पास में एक ही तरह के गैमेट बनेंगे एक्स और एक्स, और मेल के पास में दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक एक्स और एक ओ। चलिए, डायोस्कोरिया, कॉकरोच, वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया इज ए प्लांट, और इस प्लांट के अंदर इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ग्रासोपर में भी एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा गया है। ओके, नेक्स्ट। आगे यदि हम बोल रहे हैं एक्स वाई टाइप, इसका मतलब यहां पे जो मेल होंगे वो एक्स वाई होंगे, और जो फीमेल होगी उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा बच्चों वो एक्स एक्स होगा। ये ह्यूमंस के अंदर देखा गया है, और ह्यूमंस का सारा केस आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो मेल होते हैं उनके पास में वाई क्रोमोसोम है, और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये किस किस में प्रेजेंट है? ह्यूमन में प्रेजेंट है, ड्रोसोफिला में प्रेजेंट है। मिलेंड्रियम इज ए प्लांट, ये एक प्लांट है जिसके अंदर इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है। लिवरवॉर्ट में भी है, ठीक है। मेन मिलेंड्रियम से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो हम लोग ये बोल रहे हैं
ये भी आपने एक्सोटाइप देखा, इसके अंदर भी एक प्लांट है, एक्स वाई है मिलेंड्रियम, इसके अंदर भी प्लांट है। तो ये हमारा दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया आपका एक्सोटाइप और एक एक्स वाई टाइप। तीसरे वाले पे यदि हम बात करें तो वहां पे क्या था, एक्स वाई एक्सो से थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस आ रहा था, इसलिए वहां पे क्रोमोसोम को जेड डब्ल्यू और जेड जेड नाम दे दिया गया। पायल यू आर राइट। और फीमेल यहां पे ट्रोगेमिट था, इसका मतलब जेड डब्ल्यू वाला जो था वो फीमेल थी और जेड जेड वाला जो था वो मेल था। ठीक है, हेट्रोगेमिटी है, किस किस में प्रेजेंट है, बर्ड्स में प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट है, फिशेस में प्रेजेंट है, सिल्क वॉर्म में प्रेजेंट है। संध्या हाय हेलो, मैंने बोल दिया संध्या है ना। फ्रेगेरिया, इट इज द प्लांट विच इज हैविंग जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करें, फैजान सैफी हाय, फैजान सैफी हाय है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें जेडो टाइप, तो यहां पे जो फीमेल है वो जेडो है और जो मेल होगा वो जेड जेड होगा। ये जो जेडो जो फीमेल है ना, ये केसेस कहां पे देखने को मिलते हैं, ये बटरफ्लाई में देखने को मिलते हैं, मोथ में देखने को मिलते हैं, लेकिन जेडो टाइप, जेड ओ टाइप कभी भी प्लांट के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, ये सब क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। हेलो परमार हाय। चलो नेक्स्ट यदि हम अपनी आगे वाली स्लाइड्स में चलते हैं, तो आगे वाली स्लाइड्स के अंदर हमारा एक और सेक्स डिटर्मिनेशन का केस है, जिस केस को हम नाम देते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा गहनता से लेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। तो सबसे पहले देखो यहां पे हनी बी का, हनी बी के अंदर, आंट्स के अंदर और वेस्प के अंदर ये केसेस देखे गए। अब हनी बी की 2N वाली जो कंडीशन है, इसके अंदर होते हैं टोटल 32 क्रोमोसोम्स। देख लो भैया ढंग से, ये जो 32 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से ही क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिन हैप्लॉइड सेल्स को आप बोल सकते हो गैमेट्स। ये जो गैमेट्स हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है बच्चों, वो क्रोमोसोम का नंबर इनके अंदर कितना रहता है, क्रोमोसोम होता है इनके अंदर 16। ये तो आपको दिख रहा होगा 16 क्रोमोसोम, तो 32 था, अब कितना हो गया 16। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, ये केस मान लो ये फीमेल है, फीमेल की बॉडी में ऐसा हो रहा है। आपको पता है हनी बी जो टोटल पॉपुलेशन है, हनी बी जो टोटल हाइव है, उसके अंदर तीन तरह की पॉपुलेशन होती है। एक होती है आपकी जो क्वीन, सिंगल ओनली वन क्वीन विच इज फर्टाइल फीमेल, दूसरे होते हैं आपके ड्रॉन्स विच आर फर्टाइल मेल, और तीसरे होते हैं आपके वर्कर बीज विच आर स्टेराइल। अब हम यहीं पे देखेंगे किस तरह से जो है केसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा, एक बार आप यहां पे एक बार ध्यान से देखेंगे, मैं दो केसेस बता रहा हूं, एक तो आपको बता रहा हूं मेल के बारे में, दूसरा आपको बता रहा हूं मैं फीमेल के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेल के अंदर, मेल अभी देखो, फीमेल लो इसको भी हटाओ, फीमेल के अंदर हमने बोला 32 क्रोमोसोम थे, 32 क्रोमोसोम थे, इसके अंदर हुआ मियोसिस, मियोसिस होने के बाद में इसके अंदर जो सेल बनेंगे उसके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 16 क्रोमोसोम। ये हैप्लॉइड है ना, ये जो हैप्लॉइड है ना, एक कोई सा भी एक हैप्लॉइड, ये मान लो ये पार्थिनोजेनेसिस करेगा, और पार्थिनोजेनेसिस करके ये देखो मेल्स अनफर्टाइल ड्रोन बना देगा, क्या बना देगा, ड्रोन बना देगा। यहां पे कहां गया, ये देखो ये बन गया ड्रोन, ओके, ये मेल है, ये मेल है, ये ड्रोन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मेल है, ये ड्रोन है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, ये मेल की बॉडी के अंदर 16 क्रोमोसोम है, और ये जो 16 क्रोमोसोम है ये माइटोसिस के थ्रू क्या बनेगा, 16 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज करेंगे और अब हो जाएगा आपका 2N कंडीशन। ये जो 2N है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज्ड हो गया फीमेल, देखो एग यहां पे फर्टिलाइज हो गया, अब डिप्लॉयड कंडीशन में आ गया, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन में आ गया। तो हम आगे क्या कह रहे हैं, अब डिप्लॉयड कंडीशन में आ गया, ये एक फर्टिलाइज्ड एग है। यदि फर्टिलाइज्ड एग को बच्चों, यदि फर्टिलाइज्ड एग को रॉयल जेली पे फीड कराया जाता है, रॉयल जेली,
एक स्पेशल टाइप की जेली है, स्पेशल टाइप का हनी है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजर क्यूइन में, क्यूइन में बिल्कुल। और यदि उसको रॉयल जेली नहीं बनाई गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्कर में। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, उसके फटाफट जवाब दीजिए। ये जो मेल है, क्या इसका कोई फादर है? इस मेल का कोई फादर है? पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या इस मेल का कोई फादर है, हाँ या ना? नो पायल, नो डॉक्टर जे, संध्या मिश्रा नहीं, तेजस कुमार नहीं, अंकित कुमार नहीं, उजाला यादव नहीं, नहीं 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 नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ध्यान रखना, इसका कोई भी फादर जो है वो नहीं है। क्या इसकी मदर है? क्या इसकी मदर है? क्या इसकी मदर है? बिल्कुल है, इसकी मदर ये नहीं ना, फीमेल वाली मदर है। क्या इसका ग्रैंडफादर था? इसका ग्रैंडफादर था, बिल्कुल बिल्कुल राइट था। तो ये केसेस हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, क्या बात है। एक अरुण कुमार गुप्ता, यू आर रॉन्ग, ठीक है, इसका ग्रैंडफादर था, इसका फादर नहीं था, इसकी मदर भी थी। तो ये सारे जो केसेस हैं ये हमने देख लिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखिए अब जेनेटिक बैलेंस थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। सी ब्रिज नाम से एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वाह, ना ना ना, नहीं ऑनली। तो सी ब्रिज नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि ड्रोसोफिला के केस में उन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ ऑटोजोम्स, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ ऑटोजोम्स का जो रेशियो है एक्स अपॉन ए, ये जो एक्स अपॉन ए है ना, ये सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। ये सेक्स को क्या कर रहा है बच्चों? डिटरमाइन कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ चीज बता रहा हूं आपको, इधर इधर देखिएगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा यदि ये रेशियो आ रहा है वन, या तो रेशियो वन आएगा या 0.5 आएगा या वन से ज्यादा 1.5 आएगा। तीन ही केसेस हैं, तीन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। या तो 1.5 आएगा या वन आएगा या 0.5 आएगा। यदि रेशियो आ रहा है 0.5 तो ये होगा आपका नॉर्मल मेल, यदि रेशियो आ रहा है वन तो ये होगा नॉर्मल फीमेल, ठीक है। यदि रेशियो आपका आ गया 0.33, यदि ये रेशियो बन रहा है 0.33 तो इसको हम कहेंगे सुपर मेल। यदि 1.5 आ गया, जैसे सुपर मेल था वैसे सुपर फीमेल, और बीच का जो भी रेशियो आ गया वो सभी इंटरसेक्स, वो सभी क्या है? इंटरसेक्स। यहां पे मेटा मेल लिखा है, एक ही चीज है, वो सभी क्या है बच्चों? इंटरसेक्स। अब मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, यदि रेशियो, बिल्कुल फैजान साफी सैफी, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने ये कहा सीब्रिज ने कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स का रेशियो यदि आप लोगे तो वो रेशियो ये डिटरमाइन कर रहा है कि सेक्स क्या होगा। यदि रेशियो आएगा 0.5 तो वो होगा एक नॉर्मल मेल, यदि रेशियो आया वन तो वो होगी फीमेल, नॉर्मल फीमेल। यदि एक्स अपॉन ए का रेशियो आया 0.5 तो वो होगा नॉर्मल मेल, यदि रेशियो आया वन तो वो होगी नॉर्मल फीमेल, यदि रेशियो 1.5 से नीचे आया 0.33 तो उसको हम कहेंगे सुपर मेल, और यदि रेशियो वन से 1.5 के ऊपर चला गया तो उसको कहेंगे सुपर फीमेल, और बीच का जो भी रेशियो है, जो मैंने बता दिया उसके बाद में जो भी रेशियो है वो सभी होंगे बच्चों इंटरसेक्स। क्या समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। चलिए तो ये एक और टॉपिक था हमारा, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे दो तीन टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। देखिए यहां पे जो पहली टर्म है वो है गैंड्रोमॉर्फ और एक है गैंडर, ठीक है। गैंडर जो होता है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल की बॉडी होती है लेकिन दूसरे जो सेक्स के टिश्यूज हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। ए आर, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा इसमें। मृत्युंजय, एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा, मेल और फीमेल इसके अंदर क्या होता है, या तो बॉडी मेल होगी गैंडर के अंदर या फीमेल होगी, लेकिन मेल और फीमेल बॉडी होने के साथ साथ उसके ऊपर दूसरे सेक्स के टिश्यूज सेल्स होंगे प्रेजेंट,
या दूसरे सेक्स के पैचेस उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखिए गैंड्रोमॉर्फ क्या होता है, सेक्स मोज़ेक, जिसके अंदर आधी बॉडी मेल की हो और आधी बॉडी फीमेल की शो हो रही हो, वो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसको शो। वेरी गुड मरियम खान, हम लोग क्या हैं, सुपर फीमेल और नॉर्मल फीमेल। मरियम ये तो तुम्हें पता होगा, या तो तुम्हारा फेक प्रोफाइल है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, हैं? यदि आपका फेक प्रोफाइल नहीं है तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठ गया तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, इधर देखो एक डिसलाइक आने वाला है, ध्यान रखना। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ के अंदर है, ड्रोसोफिला के अंदर है। और ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सीडेंटली क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो एक्स क्रोमोसोम, अरुण गुप्ता बेटा इधर ही पढ़ लो। ठीक है बेटा, इधर बस पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंटल लॉस हो गया एक्स क्रोमोसोम का, इसकी वजह से आधी जो बॉडी है वो मेल की और आधी बॉडी किसकी तरह होने गई, फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक को शो करने लगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बात करें, यदि ये हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी, आगे यदि हम बात करें, अब तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल बफरिंग, साक्षी बफरिंग है तो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर लो आप। मोहम्मद तारिक खान, ओके डन, आ गया सबको। एहसान खान, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट की। तीन तरह के ट्रेट के बारे में बात कर रहा हूं। देखो मैं एक तो मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ तरह के जो ट्रेट होते हैं उनको हम नाम देते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट, कुछ तरह के जो होते हैं उनको कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, और कुछ तरह के जो होते हैं वो होते हैं हॉलेंड्रिक ट्रेट्स, है ना। जो हम लास्ट वाला सबसे पहले देखो, हॉलेंड्रिक ट्रेट, ये एक्चुअली ऐसे ट्रेट हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम्स पे, जिनके जीन्स प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पे, और आप लोगों को पता है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ किसके पास होगा, मेल के पास होगा। तो ये जो कैरेक्टर हैं ये वाई लिंक्ड होते हैं, और वाई लिंक्ड होने के कारण मेल से मेल में ही ट्रांसफर हो रहे हैं। सबसे पहला है कैरेक्टर पॉर्क्यूपाइन स्किन, दूसरा है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और तीसरा है हाइपर ट्राइकोसिस, कान के ऊपर बाल होते हैं ना, है ना, कानों के ऊपर इस तरह से बाल होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो मेल से हॉलेंड्रिक जो कैरेक्टर है SRY जीन, यू आर राइट, ये एक तो है पॉर्क्यूपाइन स्किन, दूसरा है TDF फैक्टर, और तीसरा है हाइपर ट्राइकोसिस। ये हॉलेंड्रिक है, वाई लिंक्ड है कैरेक्टर, और ये मेल से मेल में ही ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहले इधर ध्यान से देखना, ऑटोसोमल, द जीन्स आर ऑटोसोमल, दोनों में ऑटोसोमल जीन्स है। ठीक है, फाउंड इन बोथ। ठीक है, ये इधर देखो आप सेक्स लिमिटेड ट्रेट में दोनों में दिखाई देगा, बट दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्सप्रेस किस में करेगा, सिर्फ एक में ही करेगा। अभिजीत वर्मा, टेस्टेड डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है बेटा, आगे आएगा, सब आगे आएगा। पॉर्क्यूपाइन स्किन, स्किन का थोड़ा सा अलग होना, लालू के कान पर, हाँ हाँ बिल्कुल ए यार, बिल्कुल राइट। चलो आगे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्स लिमिटेड जो ट्रेट है वो इसकी जीन्स ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये होता दोनों में है, मेल में भी प्रेजेंट होगा, फीमेल में भी प्रेजेंट होगा, बट एक्सप्रेस सिर्फ एक में ही करता है। इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनको हम कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट, क्योंकि लिमिट हो रहा है ना, है तो जीन दोनों में लेकिन लिमिट कर रहा है वो एक ही सेक्स के ऊपर। सबसे पहले मिल्क ग्लैंड्स इन फीमेल, ओनली फीमेल में, मेल के अंदर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर ये क्या होता है, डेवलप्ड हो जाती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। बियर्ड इन मेल, ऐसा नहीं है कि फीमेल की नहीं हो सकती है बिल्कुल, ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण एक से दूसरे में फैल सकता है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहला मिल्क ग्लैंड इन फीमेल वेल डेवलप्ड होती है, दूसरा है बियर्ड्स इन मेल, मूछे दाढ़ी मूछे जो होती है मेल्स के अंदर बहुत होता है, प्राची यू आर राइट, और डीप वॉइस, देखो भाई मेल की आवाज इस तरह से होती है, हाय क्या, फीमेल की आवाज बहुत पतली होती है, हेलो। तो ये देखो डिफरेंस है, है ना, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी फीमेल मिल जाएंगी जिनकी आवाज यूं होगी, और क्या हो गया, है ना, और बहुत सारे ऐसे मेल होंगे जिनकी आवाज ही होगी, हेलो। तो ये डिपेंड करता है ये किस तरह का है,
ठीक है, तो ये कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जनरली ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट में आएगा। एंटलर्स इन मेल डियर, आपने देखा होगा कि जो मेल डियर होते हैं ना उनके बहुत ऐसे सींग, बहुत बारहसिंगा वाला जो केसेस देखा है ना आपने, उसके अंदर देखिएगा कभी बारहसिंगा के केसेस में। ब्रिमलेट, ब्रिलियंट प्लुमेज, भाई कलंकी जानते हो आप, कलंकी बोलते हैं जिसको, है ना, अरे मेरे मिट्टी के शेरों पढ़ लो, ठीक है ना, कलकी जो होती है ना उसके, ये मेल पिकॉक के अंदर होती है। दूसरा फीमेल एंड मेल मस्कुलेचर, देखो जो भी हमने अमूमन यदि देखा है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि फीमेल अमूमन ऐसे ठोस नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, है ना, और लड़के जो होते हैं लड़के की बॉडी का पैटर्न ही अलग होता है, लड़कियों की बॉडी का पैटर्न अलग है। तो इस तरह की जो बात होती है ये हम सब किस में पढ़ते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट में, जो कोक के ऊपर होती है। नहीं 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 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय कुमार यू आर राइट, ठीक है, मुझे भी आती है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ ना रागिनी, ये डिपेंड करता है एक्चुअली। फोर्थ समझ में नहीं आया, फोर्थ के बारे में बात करते हैं। तो एंटलर जो होते हैं ना सिंग विंग बहुत अच्छे बारहसिंग वाले, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, मेल में प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर क्या बोलते हैं फीमेल के मेल में शो हो जाए, मेल के फीमेल में शो हो जाएगा, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, देखो दीज आर ऑल्सो ऑटोसोमल जीन्स, ये ऑटोसोमल जीन्स है पहली चीज, है ये कौन सी जीन्स है ऑटोसोमल, ये भी ऑटोसोमल थी। दूसरी बात जो हम आगे करेंगे इसमें वो ये है, हरा के लिए मना किया था भाई, ये देखो सबसे पहले ये ऑटोसोमल जीन्स है। दूसरी चीज ये क्या होता है, जो जिसने जो इन कैरेक्टर जो इन जीन्स को कैरी कर रहा है उसके सेक्स से ये मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो गए, एक में बहुत ज्यादा होगा दूसरे में कम होगा ओजस्वी, ठीक है, एक में इंडियन बॉयज, हाई नाम है कुछ इंडियन बॉयज, आपका नाम जो हो वो प्लीज आप लिख के देना जरा मुझे, ठीक है, और दूसरे में बहुत कम होता है, जैसे पैटर्न ब्लैडनेस और शॉर्ट इंडेक्स फिगर, इंडेक्स फिगर जो है वो शॉर्ट होना, पैटर्न ब्लैडनेस के बारे में, तो गंजापन ऐसे होता है ना, यहां पे बाल उड़ गए और इतने इतने बाल, ये आपको मेल में दिखाई देगा, ये आपको कभी भी फीमेल में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भाई फीमेल के अंदर एक्स जो क्रोमोसोम है ना वो दो है, मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम एक ही है। तो क्या होता है कि इस ये जो जीन है ना ब्लडनेस वाली, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा यदि मान लो एक मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया है, उसकी जीन खराब हो गई, तो यहां से गंजा भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है, गंजा तो हो गया। फीमेल के अंदर यदि एक जीन खराब हो गई, दूसरे पे है, दो एक्स है ना दूसरे पे है, तो कभी फीमेल गंजी नहीं होगी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है। ओके तो फीमेल्स खुश रहो, मेल्स टेंशन में आ जाओ। चलिए भैया म्यूटेशन, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज म्यूटेशन। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, कहानी क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में मेल भी हो सकता है, डोमिनेंट फॉर्म में भी उसे फर्क नहीं पड़ता, म्यूटेशन के कारण सब चीजें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल वेरी गुड दीक्षा त्रिवेदी, हो गया आप, चलो गजनी, वाह आकांक्षा पाल, मेरे नाना जी के आधे बाल हैं डॉक्टर, अरे नागिनी रागिनी ठीक है, कोटा में वैसे भी बाल झड़ते हैं। अंकित कुमार बहुत अच्छे बेटा, अब सब लोग क्या हम यहाँ पे अब संगीत चालू कर देंगे एक साथ, हॉलेंड्रिक वाला, बिल्कुल सिद्धार्थ, हॉलेंड्रिक जो होते हैं ना कैरेक्टर्स बेटा वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है इसलिए मेल टू मेल ही ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उसको हॉलेंड्रिक कह रहे हैं। चलो भाई अब देखो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है कि एकदम से सडन हेरिटेबल होने वाला चेंजेस, सडन हो और हेरिटेबल हो। रोहित राज अब सबने कोटा के बालों को पकड़ लिया क्या, पढ़ लें थोड़ा सा हम, सर सीओ डिक्रीजेज इफ एज डिक्रीजेज, सीओ मतलब आकांक्षा पाल, व्हाट डू यू मीन बाय सीओ, इट्स सीओ टू, क्या है ये सीओ, सीतामरम नहीं बाल झड़ते हैं सीतामणि, अरे भैया सत्यम, हाँ अब पढ़ लें हम। चलो मैं पता नहीं तुम लोग यार क्या क्या बातें स्टार्ट कर देते हो, मैं म्यूटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, म्यूटेशन हाँ क्रॉसिंग ओवर के एज के साथ में क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होता है, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या होता है कि जीन्स का है ना स्टेबिलिटी कम होती है क्रोमोसोम्स की, इसीलिए ये ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ें, आगे पढ़ लें भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो पढ़ा देंगे, जरा थोड़ा सा देखिए तो सरी। चलो अब मैं म्यूटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एनी सडन हेरिटेबल चेंजेस,
एकदम से होने वाला, ठीक है, एकदम से होने वाला उत्परिवर्तन, बिल्कुल सही आदित्य, एकदम से होने वाला जो चेंजेस होता है बच्चों उसको कहते हैं म्यूटेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बॉडी के अंदर यदि म्यूटेशन हुआ, देखो क्या है, नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जो नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये इफेक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर। ऐसे ही आपने सुना होगा म्यूटेशन, म्यूटाजेंस, ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट जो म्यूटेशन कराए हैं उसको हम कहते हैं म्यूटाजेंस। ये जो म्यूटाजेंस है इनके बारे में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट्स हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। फिजिकल एजेंट्स का मतलब है रेडिएशंस, ठीक है, बहुत सारे रेडिएशंस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, है ना। मस्कुलेशन, मस्कुल मसल्स, फीमेल के ऐसे थोड़ी होती है, भयंकर हो गया अजय, है ठीक है, बिल्कुल सही, सब लोग सही बोल रहे हैं, यूवी रेज भी होती है। तो ये जो रेज होती है क्या करती हैं, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, जीन्स को या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अल्टर कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। सर मैंने हिंदी में भी पढ़ा है, बहुत अच्छा आदित्य, बहुत बढ़िया। अब क्या है, इस तरह का जो केसेस हम देखेंगे ना, तो इसके अंदर क्या देखने को मिला है हमें कि यदि एकदम से सडन हेरिटेबल चेंजेस हो मेरी बॉडी के अंदर, सबसे पहले या तो हेरिटेबल होगा या नहीं होगा। हेरिटेबल है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, और जब भी हेरिटेबल होगा इसका मतलब बच्चों दिमाग में बैठा लो कि वो जर्म सेल्स में हो रहा है, ठीक है, जर्मिनल म्यूटेशन हो गया। अब सोमेटिक सेल्स में होगा, बॉडी के सेल्स में होगा, तो क्या होता है, ये एक डिजीज कर देता है। कैसे, देखो ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी की एक रेट है, इस तरह से इस रेट में हर सेल डिवाइड कर रही है, बॉडी ने अपनी सेल को इस रेट में डिवाइड करने के लिए बनाया है। अब क्या होता है, बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जो इस रेट को दबाता है, उसकी वजह से एक बहुत धीरे स्पीड में क्या होती है, बॉडी ग्रो करती है, है ना। बट कई बार क्या होता है, ये वाला जो फैक्टर है ना जिसके कारण ये इसकी स्पीड रुकी हुई है, इस फैक्टर में म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होने के बाद ये फैक्टर काम करना बंद कर देता है। अब क्या होगा, अब एकदम से ग्रोथ बढ़ेगी, जब ऐसी ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों, ऐसी ग्रोथ बढ़ेगी तो सेल के गुच्छे बन जाएंगे जिसको हम कहते हैं ट्यूमर, और ये ट्यूमर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये देखो, कैंसर इस दुनिया की ऐसी बीमारी है जिसको आप इजिली जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकते, है ना, आप अंदाजे पे चलते हो, उसको अमूमन फोर्थ स्टेज पे ही पकड़ में आता है, और फोर्थ स्टेज के बाद में बचने के चांसेस 0.1% या 1% के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, दिस इज सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो, क्रोमोसोम में चेंजेस आ गए, जीन्स में चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो गया, फिनोटाइप के अंदर कुछ चेंजेस आ गए या जीनोटाइप के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। ये म्यूटेशन के टाइप देखो कौन कौन से हैं, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, है ना, और जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, छोटी सी जीन में होने वाले चेंजेस, ठीक है, क्रोमोसोम में होने वाले पूरे जो चेंजेस आता है उसको क्रोमोसोमल एबिरेशंस कहते हैं, और जीनोमेटिक म्यूटेशन जो होता है इसको हम आगे देखेंगे किस तरह से हो रहा है। चलिए तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब हम आगे पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देख रहे हैं जीन म्यूटेशन के बारे में। तो यदि सिंगल बेस पेयर में कोई चेंजेस आ जाए म्यूटेशन के कारण, इसका मतलब किसी पॉइंट पे म्यूटेशन हो जाए, बिल्कुल सही सत्याराम राज, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इस पॉइंट म्यूटेशन को बच्चों हम कहते हैं, ये पॉइंट म्यूटेशन है या जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट शिव कुमार वर्मा, हम ये कह रहे थे कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ना, इसके ये दो टाइप है जीन म्यूटेशन के, एक तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। तो यदि हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको पता है ये डीएनए है और डीएनए के अंदर सीक्वेंस होती है ATGC, ये सीक्वेंस थी। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में देखो डिलीशन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो जीन है वो जीन जो कोड करते हैं, जीन जो कोड होती है उसके तीन कोडोन होते हैं, तीन कोडोन से मिलके एक कोड बनता है। ये देखो अब हम बात कर रहे हैं किन किन कोडोन से मिलके क्या क्या बना है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये ATG एक कोड हो गया, CAT एक कोड हो गया, GC एक कोड हो गया, है ना, या हम पूरे इसको पूरा ही कर दें GCA, या एक बार दोबारा पढ़ो यार, देखो ATGC ATGC AT। अब देखें जरा, तीन का एक कोड बना, तीन का एक कोड बना, तीन का एक कोड बना, और ATAG, लो
मैंने पेयर बना दिए पूरे, कितने पेयर है, 1 2 3 4, यही तो रीडिंग फ्रेम, यही तो है। कोडोन क्या होता है, मृत्युंजय, एक्चुअली नाइट्रोजन बेसिस से मिलके कोडोन बने होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले चैप्टर में यदि हम मॉलिक्यूलर बेसिस लेंगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलो, तुम्हारी एज जाकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूमर, बिल्कुल 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 दीक्षा त्रिवेदी, यू आर राइट। चलो आप ध्यान दो यार, कैन ऑल्सो बी यूज बाय क्लास 7th फॉर फाउंडेशन, नबीता घोष, हो सकता है, लेकिन हाँ बच्चे को यदि इंटरेस्ट है तो, यदि आप पेरेंट है तो बिल्कुल हो सकता है। चलो चार है, अब देखो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीशन, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई बच्चों, मैं कुछ बता रहा हूं आपको कि डिलीशन, ये देखो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब देखना क्या कोड बना, अब कोड बना ATC, पहला ही कोड चेंज हो गया क्या, मैं तो सिर्फ एक कोड की बात कर रहा हूं, पहला ही कोड चेंज हो गया ना, ठीक है, पहला ही कोड चेंज हो गया है, इसका मतलब है भाई यहां पे कुछ ना कुछ क्या हो गया, फ्रेम जो था वो शिफ्ट हो गया, इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इसका पहला डिलीशन। लेकिन क्या इंसर्शन या एडिशन के कारण भी हो सकता है, मान लो मैंने इस जगह पे ऐड कर लिया सी, तो अब सीक्वेंस क्या बनी, अब बनी इधर देखो ATGCC, यही तो बना ATGCATAG। तो अब देखो यहां पे 1 2 3 4 4 बनने थे ना, अब देखो पहला पहला यहां पे क्या है ATG, लो भाई ATG, दूसरा क्या है CATCCA, चेंज हो गया ना पूरा कोड चेंज हो गया, बिल्कुल 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 ये कोड चेंज हो गया, इसको हम कहते हैं इंसर्जन या एडिशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दूसरा सब्सिट्यूशन, सब्सिट्यूशन का बच्चों क्या मतलब होता है, रिप्लेस कर देना, सब्सिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, और रिप्लेस किसको करेगा, ये रिप्लेस कर रहा है यदि प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हुआ, प्यूरिन क्या होता है बच्चों AG एडिनिन एंड ग्वानिन, यदि प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस होता है या पिरिमिडिन से पिरिमिडिन रिप्लेस होता है, तो इस तरह के रिप्लेसमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन टाइप ऑफ सब्सिट्यूशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्शन, ट्रांसवर्शन का मतलब होता है इन्वर्जन, मतलब कि उल्टा, और उल्टा का मतलब क्या है, यदि प्यूरिन जो है उसके अंदर म्यूटेशन और वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, पिरिमिडिन में, यदि प्यूरिन पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन प्यूरिन से होगा तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्शन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इजी चीज है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई। ट्रांजिशन नहीं समझ आया सर जी, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरिन, प्यूर ए था, ए को रिप्लेस कर दिया जी ने, जी था, जी को रिप्लेस कर दिया ए ने, यदि ये होगा तो प्यूरिन से प्यूरिन बदल रहा है, इसको ट्रांजिशन कहते हैं, यदि पिरिमिडिन से पिरिमिडिन बदलेगा तो उसको कहेंगे, उसको भी क्या कहेंगे हम, ट्रांजिशन, लेकिन यदि प्यूरिन से पिरिमिडिन बदल जाए तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफर्शन, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, देखिए क्रोमोसोमल एबिरेशन, इसके अंदर यदि हम देखें क्रोमोसोमल एबिरेशन के अंदर सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिलीशन, है ना, दूसरा है हमारा डुप्लीकेशन, तीसरा है ट्रांसलोकेशन, चौथा है इन्वर्जन। देखो ये रहा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम था, ये रहा, ध्यान से सुनिएगा भाई बात को, ये क्रोमोसोम था, ये आपको पता है सेंट्रोमियर है और ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ बच्चों, सबसे पहला पढ़ा रहा हूं डिलीशन, इसके ऊपर ये सीक्वेंस थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब क्या हो गया, अब हुआ ऐसा कि इसका एक जो सीक्वेंस था ना ये वाला, ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो डिलीशन होने की वजह से भाई क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हुआ या नहीं हुआ, आर्म के अंदर चेंजेस आए या नहीं आए, इसको हम कहते हैं डिलीशन। और यदि ऐसा होता, ऐसा होता यदि दिस वन इज डिलीशन, दिस वन इज डिलीशन, एंड व्हाट डू मीन बाय डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में ABCDDEFGH, देखो दो बार DD आ गया ना, तो DD आने की वजह से लेंथ क्या होगी, इसकी ज्यादा हो गई ना इसके क्रोमोसोम की, और लेंथ ज्यादा होने के कारण क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अल्टरेशन आ गया, ठीक है, और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ गए बच्चों उसको हम कहते हैं ये एक क्रोमोसोमल एबिरेशन है ड्यू टू डुप्लीकेशन, ओके।
एनिप्लॉयडी प्लूपॉयडी, डॉक्टर जय आ रहा है थोड़ा होल्ड करो, और चार पांच बार कमेंट मत किया करो, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं एक बार बताओ, बच्चे गालियाँ देते हैं इसमें, अब उनको क्या मैं पढ़ता रहूँ क्या बैठ के? किस दिन मेरा मान लो माथा खराब हो जाए, मैं किसी बच्चे को कुछ बोल दूँ? तो इसीलिए मैंने डॉक्टर जय ये पढ़ लिया है तुम्हारे क्वेश्चन, आगे वाले आ रहा है बच्चा, तू टेंशन मत ले बिल्कुल, ठीक है? डिफरेंस नहीं समझ में आया तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग? देखो मैं ऑनलाइन में वही टीचर हूँ जो मैं क्लास में हूँ, मैं ऑनलाइन में वही टीचर हूँ जो मैं क्लास में हूँ, नंबर ऑफ लाइक्स मेरे लिए बिल्कुल मायने रखते हैं, तो नंबर ऑफ डिसलाइक्स भी मायने रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टीचर को टीचर की मर्यादा में रह के पढ़ाना चाहिए और बच्चों को बच्चों के मर्यादा में रह के पढ़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्लास के अंदर क्या कोई बच्चा कभी गाली गलौज कर सकता है? किसी की इतनी हिम्मत होती है? लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं, क्या करें ऐसे लोगों का, है क्या करें ऐसे लोगों का? तो इसीलिए हम पेशेंस रखते हैं इन चीज़ों में, वरना इतनी तो तुम लोगों से एज में मैं भी बड़ा हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं भी थोड़ा सा कंट्रोल रखता हूँ, इसलिए अगली बार से यदि कोई बच्चा ऐसे बीच में आए, उसकी ऐसी हालत हो जानी चाहिए कि वो ध्यान रखे आगे से, ठीक है? चलो अब हमारा मुद्दे वाली ट्रांसलोकेशन। चलो भैया ये दो तो डिलीशन और डुप्लीकेशन तो बहुत इजी था, ट्रांसलोकेशन क्या हुआ ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ध्यान से सुनना, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ये क्रोमोसोम था देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक क्रोमोसोम है और एक नॉन होमोलोगस दूसरा क्रोमोसोम बना रहा हूँ मैं, नॉन होमोलोगस दूसरा क्रोमोसोम, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, और दो डिफरेंट क्रोमोसोम का मतलब मैं बोल दूं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना? ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और इनके बारे में यदि मैं बात करूं, इनके बीच में यदि एक्सचेंज हो जाए फ्रेगमेंट कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। अजय यादव बच्चा मैं बताता हूँ अभी साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, थोड़ा सा होल्ड रखो, फॉरवर्ड म्यूटेशन भी होता है, साइलेंट म्यूटेशन भी होता है, बैकवर्ड म्यूटेशन भी होता है, ठीक है ना, रेट्रोग्रेसिव म्यूटेशन भी होता है, सब देखेंगे हम। चलो आगे देखो, आगे हम यदि बात करें कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, ये मैं बता रहा हूँ ट्रांसलोकेशन क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के आर्म में अब क्या चेंजेस आ गया ये देखो आप, मैं आपको बना के बता रहा हूँ किस तरह से चेंजेस आ गया। दोनों कलर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप कलर का ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 7, ठीक है? एक तो ये हो गया, ठीक है? अब दूसरा वाला यदि मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो उस क्रोमोसोम के अंदर क्या चेंजेस आ गए ये देखो, ये था, अब इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 9, ये देखना जरा इधर, ये एक क्रोमोसोम की जो एक आर्म थी उसका कुछ पार्ट क्या हो गया, उसका कुछ पार्ट एज स्टडीज हाई उसका कुछ पार्ट दूसरे में जाके लग गया है, और दूसरे में जाके जब वो पार्ट लग गया है, एज स्टडीज आप अभी आए हो ना, बताते बेटा, ठीक है, दूसरे में जाके लग गया है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ओके ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? बिल्कुल एक का पार्ट दूसरे में जुड़ जाता है। चलो अब लास्ट वाला इन्वर्जन करते हैं हम, इन्वर्जन के बारे में यदि मैं बताऊं अब, तो मैं इन्वर्जन को दो टाइप से डिवाइड कर रहा हूं। इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन इज ऑफ टू टाइप, पहला टाइप जो है इन्वर्जन का उसको हम नाम देते हैं पैरासेंट्रिक, और दूसरा वाला जो इन्वर्जन का है वो है पेरीसेंट्रिक, ठीक है? अब देखो पेरीसेंट्रिक का मतलब है यहां पे सेंट्रोमियर के आस दोनों साइड में चीजें चेंज हो जाएंगी, अभी देखते हैं कैसे, और पैरासेंट्रिक का मतलब है एक साइड में होगी। चलो आप करके देखते हैं किस तरह से, ये इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है? अब देखो ये सेंट्रोमियर रहा, अब क्या हुआ ये पैरासेंट्रिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये था। अब यहां पे क्या केस हुआ है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस केस के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये सेंट्रोमियर यहीं के यहीं है, 1 2 3 4 इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 7 8 5 6 यहाँ पे चेंजेस आ गया ना बच्चों, ये इसका सेंट्रोमियर थोड़ी इन्वॉल्व हुआ, एक साइड में क्या हो गया चेंजेस हो गया। और पेरीसेंट्रिक में क्या होता है देखो, यहाँ पे यदि 1 2 5 6 3
4, 7, 8, ये देखो इस वाला पार्ट यहां का इधर चला गया और इधर का इधर चला गया, सेंट्रोमियर के चारों तरफ हुआ। ठीक है, सेंट्रोमियर के चारों तरफ यदि इस तरह से घूम गया है पूरा, इसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल एबिरेशंस, और ये इट इज ए टाइप ऑफ म्यूटेशन, इट इज ए चेंज। चलिए आगे बात करते हैं, और डॉक्टर जे का क्वेश्चन आ चुका है, जीनोमेटिक म्यूटेशन। और जीनोमेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे, जीनोमेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे जीनोम में क्या आ गए बच्चों, चेंजेस आ गए। अब किस तरह से पूरे के पूरे जीनोम में चेंजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये दो टाइप का है, एक तो एन्यूप्लॉइडी है, एक यूप्लॉइडी है। सबसे पहले यूप्लॉइडी देखो, इसके अंदर हैप्लॉइड जो सेट होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। किसके अंदर चेंजेस आता है बच्चों, हैप्लॉइड सेट के अंदर चेंजेस आता है। अब किस तरह से हैप्लॉइड सेट के अंदर चेंजेस आ रहा है ये मैं बता रहा हूं। यदि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सिर्फ एक हैप्लॉइड सेट है, आप उसको डिप्लॉइड बोलोगे हैप्लॉइड बोलोगे? यदि सिर्फ एक ही सेट है पूरा जीन का, उसको आप डिप्लॉइड बोलोगे या हैप्लॉइड बोलोगे? हैप्लॉइड। तेजस कुमार यू आर राइट भाई। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 23 है, यदि किसी सेल के अंदर 23 है, तो उसको क्या आप बोलेंगे? बिल्कुल हैप्लॉइड बोलेंगे, यू आर राइट। तो हैप्लॉइडी, यदि ये देखो जरा, दो होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? दो होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सर मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक क्या होगा आप लास्ट में रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज। ओके, मैं ये बोल रहा हूं, यदि एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दो हैप्लॉइड के सेट हैं, दो हैप्लॉइड सेट है, ये दो हो गए, इसको आप डिप्लॉइड बोलोगे, इसको क्या बोलोगे बच्चों? डिप्लॉइड। लेकिन यदि ऐसे हो, तीन हो, चार हो, तो आप इसको बोलोगे पॉलीप्लॉइड। एक से ज्यादा हैप्लॉइड सेट के, या एक से ज्यादा सेट के, दो से ज्यादा सेट के क्रोमोसोम्स है इसमें, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पॉलीप्लॉइड। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं? ये तो इजी होंगी, इनके बारे में ये बहुत इजी है, हैप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड्स। चलिए अब यहां सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात हो रही थी, या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। यदि इसको हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी, इसको क्या कहेंगे बच्चों? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में इसमें तो पूरा सेट बढ़ता है या घटता है? इसमें पूरा सेट बढ़ रहा है, उसके अंदर तो नंबर बढ़ेगा। देखो नॉर्मल कंडीशन हमेशा होती है डिप्लॉइड की, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल कंडीशन है हमेशा डिप्लॉइड की। यदि डिप्लॉइड में से कुछ गैमेट फॉर्मेशन में ऐसा हुआ कि दो क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाए, तो एक सेल के पास में एक क्रोमोसोम ज्यादा चला जाएगा और दूसरे सेल के पास में एक क्रोमोसोम कम होगा। तो वही हम बोल रहे हैं, यदि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 2n-1 कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोजोमिक। यदि 2n-2 कंडीशन है, दो क्रोमोसोम चले गए, है ना, नॉन डिस्ट्रक्शन हो गया, दोनों अलग होने थे एनाफेज में, नहीं हो पाए, एक ही सेल में दोनों चले गए, तो ऐसी वाली जो कंडीशन होगी उसको हम कहेंगे नलिजोमिक। लेकिन ऐसा दूसरे सेल में भी तो एक आ गया एक्स्ट्रा, उसको कहेंगे ट्राइजोमिक, और जिसके पास दो एक्स्ट्रा आ गए हैं उसको हम कहेंगे टेट्राजोमिक। दिस कंडीशन इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यदि एक कम हो गया है मोनोजोमिक, दो कम हुए नलोजोमिक, यदि एक बढ़ गया है ट्राइजोमिक, और दो बढ़ गए हैं तो टेट्राजोमिक। अंदर चेंज होने से होता है यूप्लॉइडी। दीक्षा त्रिवेदी यू आर राइट। चलो भैया अब आगे यदि हम बात करें तो पेडिग्री के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, बने रहिए और पढ़ते रहिए बिल्कुल बिंदास होके। कल इसके आगे वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रहना, क्विज टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कल लग जाएगा, कल आपको पता लग जाएगा। बाय, गुड नाइट।